ठीक है स्टार्ट हो गया। अटेंशन दोस्तों, आप सबका फिजिक्स क्लास में वेलकम है। दोस्तों पिछले लेक्चर में आपने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखा था। आज उसी पे बेस्ड एक लॉ है, जूल्स लॉ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला देखा था, एच इक्वल आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये भी फॉर्मूला जो है एक्चुअल में जूल का ही दिया हुआ है और इसी फॉर्मूले से जूल्स लॉ निकलते हैं, इसी फॉर्मूले से ही जूल्स के लॉ निकलते हैं, बनते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए तो यहाँ से आ रहा है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि करंट पास करने पे, इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे हीट प्रोड्यूस होता है। तो जूल्स ने जो है ये बताया कि ये हीट प्रोड्यूस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा और उन्होंने तीन लॉ दिए। इसके कितने लॉ हैं, थ्री लॉ हैं, देयर आर थ्री लॉज। फर्स्ट लॉ जूल्स करंट लॉ कहलाता है, JCL हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं, JCL, जूल्स करंट लॉ। फर्स्ट लॉ इज जूल्स करंट लॉ। जूल्स का कहना था कि अगर आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे हैं किसी कंडक्टर से और उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो, टाइम फिक्स हो, तब हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इनका क्या कहना है, द हीट प्रोड्यूस्ड हीट, द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इन फिक्स्ड रेजिस्टेंस कंडक्टर इन फिक्स्ड टाइम। ये सब कंडीशन लगा हुआ है, कंडीशन लगा हुआ है, फिक्स्ड होना चाहिए रेजिस्टेंस और फिक्स हो टाइम एंड इन फिक्स्ड टाइम इंटरवल is directly proportional, directly proportional to the square of electric current, square of electric current। क्या कहा दोस्तों, the heat प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट किसमें, इन फिक्स्ड रेजिस्टेंस कंडक्टर इन फिक्स्ड टाइम इंटरवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज एच प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर के।
इसको एक इक्वेशन माने और इसमें कंडीशन को लिख दीजिए। कंडीशन क्या है कि जब व्हेन आर कांस्टेंट लिख सकते हैं, फिक्स लिख सकते हैं, फिक्स मींस कांस्टेंट अचर, और इससे आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं H1 बाई H2 इक्वल होगा I1 बाई I2, या उल्टा करेंगे H2 बाई H1 तो I2 बाई I1 का होल स्क्वायर। इससे न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में आसानी होगी। H2 बाई H1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए I2 बाई I1 का होल स्क्वायर होगा। कुछ लोग नाखून देखने आए क्या? तो पहला लॉ कहा कि हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के, लेकिन क्या कंडीशन लगा हुआ है कि R और T कांस्टेंट हो। दूसरा लॉ देखें जिसका नाम है जूल्स रेजिस्टेंस लॉ, JRL, जूल्स रेजिस्टेंस लॉ, JRL। इनका कहना है कि हीट प्रोड्यूस ड्यू टू फिक्स करंट, यहां पे करंट को फिक्स करना होगा, टाइम को फिक्स करना होगा, तब हीट प्रोड्यूस रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको डिफाइन करते हैं, द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फिक्स करंट, कांस्टेंट करंट भी बोल सकते हैं आप, फिक्स करंट इन फिक्स टाइम इंटरवल, फिक्स टाइम इंटरवल। ये दो कंडीशन लगे हैं, करंट फिक्स हो कांस्टेंट हो, टाइम भी फिक्स हो कांस्टेंट हो। द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू फिक्स करंट इन फिक्स टाइम इंटरवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। दैट इज H प्रोपोर्शनल R के। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लें आप, कंडीशन ब्रैकेट में लिख दें। कंडीशन क्या है दोस्तों? I and T कांस्टेंट, यहाँ R and T कांस्टेंट है, यहाँ पे I और T कांस्टेंट। फिर इसका तीसरा लॉ देखें, थर्ड लॉ, जो कहलाता है JTL, जूल्स टाइम लॉ, जूल्स टाइम लॉ। अब आप समझ चुके होंगे इसमें क्या होगा। द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू फिक्स करंट एंड फिक्स रेजिस्टेंस, इसमें दो चीज कांस्टेंट होगा, हर में दो दो कांस्टेंट है। इसमें क्या क्या कांस्टेंट होगा? द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फिक्स्ड करंट इन फिक्स्ड रेजिस्टेंस कंडक्टर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। That is H प्रोपोर्शनल T के। देखिए तो नीचे आ रहा है H प्रोपोर्शनल T के। इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया जाए और यहाँ पे कांस्टेंट लिख दिया जाए। कंडीशन है I एंड R कांस्टेंट। I एंड R कांस्टेंट। तो ये तीन लॉ हैं
इसी का नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इट शॉर्ट में ही रहता है जनरली और काफ़ी आसान है, उम्मीद है भी याद हो चुका होगा। ध्यान से देखें, पहला लॉ कहता है हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, शॉर्टकट में इतना बोल सकते हैं बाय आर एन टी कॉन्स्टेंट। दूसरा कह रहा है हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, कंडीशन क्या है वन आई एन टी कॉन्स्टेंट। तीसरा में है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम वेन आई एन आर कॉन्स्टेंट। इन तीनों इक्वेशन को मिलाने के बाद फिर वही फॉर्मूला आ जाएगा, फिर वही फॉर्मूला आएगा। कौन सा फॉर्मूला? जो कल हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मिलाइए क्या हुआ, एच प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आर टी कॉन्स्टेंट। यहाँ अगर आप के लाते हैं आई स्क्वायर आर टी, वेयर के इज कॉन्स्टेंट, विच वैल्यू इज वन, इसका मान वन पाया गया एक्सपेरिमेंट से, विच वैल्यू इज वन, तो एच बराबर होगा आई स्क्वायर आर टी। दोस्तों ये जो फॉर्मूला है हीट का एच इक्वल आई स्क्वायर आर टी, ये वर्कडन का भी फॉर्मूला आया था, आप याद कीजिए पिछले लेक्चर में देखिए, ये फॉर्मूला वर्कडन का भी था। वर्कडन बराबर हीट और हीट बराबर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक के कारण एनर्जी है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया दोस्तों, आई स्क्वायर आर टी। ये तीन का एक ही फॉर्मूला है, आई स्क्वायर आर टी, वर्कडन, हीट और इलेक्ट्रिक एनर्जी, तीनों का हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट, वर्क डन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तीनों का ही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, वर्क डन, एच फॉर हीट, ई फॉर एनर्जी, आई को आप लिख दें वी बाई आर, लिख सकते हैं वी स्क्वायर आर स्क्वायर, आर और टी, आर आर कैंसिल, वी स्क्वायर बाई आर टी, एक फॉर्मूला और निकल गया। इसका और भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वर्क डन, हीट, एनर्जी का, आई स्क्वायर को दो बार लिख दें, आई इंटू आर इंटू टी, एंड आई इंटू आर को क्या लिखेंगे, डी, आई वी टी, आई वी टी लिख सकते हैं, आई वी टी या वी आई टी, आई इंटू वी इंटू टी या वी इंटू आई इंटू टी, वी आई पी से वी आई टी याद रखिए, वी आई टी, वी से आप वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है, आई करंट है और टी टाइम है। अब इसी में आपको इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ना पड़ता है, इसका काफ़ी काम पड़ता है न्यूमेरिकल्स में भी, इलेक्ट्रिकल पावर। ये क्या होगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर, वैद्युत शक्ति हिंदी में कहते हैं, पावर किसको कहते हैं, द रेट ऑफ टू डू वर्क, द रेट ऑफ टू डू वर्क, काज करने की क्षमता नहीं, रेट, दर, दर को, क्षमता को तो एनर्जी कहते हैं, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी एंड द टाइम रेट ऑफ टू डू वर्क इज कॉल्ड पावर, मतलब एक सेकेंड के अंदर कोई जितना काम कर सके वही उसका पावर होता है, यूनिट टाइम में कोई जितना काम कर सकता है वो उसका पावर, यूनिट टाइम में मतलब यूनिट से, वन सेकेंड हो सकता है, वन मिनट हो सकता है, वन आवर हो सकता है, वन डे हो सकता है, वन ईयर हो सकता है, फिर वन लगना चाहिए। लेकिन आप देखे होंगे कि सी जी एस सिस्टम, एम पी एस सिस्टम, एम के एस सिस्टम, एस आई सिस्टम, के एस ए सिस्टम, हर एक सिस्टम में टाइम का यूनिट क्या था, सेकेंड था, इसलिए हर जगह सेकेंड ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए इसको डिफाइन किया जाता है द वर्क डन इन इन पर सेकेंड, ये तो बोल ही सकते हैं द रेट ऑफ टू डू वर्क इज कॉल्ड पावर।
ये इलेक्ट्रिकल पावर जो होगा वो किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का होगा, जैसे फैन, बल्ब, हीटर, आयरन, गीजर, मोटर, ये सब क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन फॉर्म डिफिनेशंस को चेंज करते हैं, बोलते हैं कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस एक सेकेंड में जितनी एनर्जी खर्च कर सकता है वो उसका पावर है, वह उसका पावर होता है। द एनर्जी कंज्यूम्ड बाई एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन यूनिट टाइम, इन वन सेकेंड बोले या इन यूनिट टाइम, इज कॉल्ड, कहलाता है इलेक्ट्रिकल पावर कहलाता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जैसे ये पंखा है, ये एक सेकेंड में कितनी एनर्जी खर्च कर सकता है। आप देखेंगे पंखा खरीदेंगे तो उसमें लिखा रहता है 60 वाट, किसी पे 80 वाट लिखा रहता है। 80 वाट, वाट क्या होता है, जूल पर सेकेंड, मतलब ये एक सेकेंड में ये पंखा जो है 80 जूल एनर्जी खर्च कर सकता है। कितना जूल? 80 जूल। अगर आपके घर में इलेक्ट्रिक आयरन है वो आपका 1500 वाट, है ना, 1500 जूल पर सेकेंड खर्च करता है इलेक्ट्रिक आयरन, है ना, कितना, लगभग, है ना, 1500 जूल एक सेकेंड में खर्च कर लेता है। तो ये तो डिपेंड करता है किसका क्या पावर। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर जनरली 1 HP का होता है और 1 HP होता है 746 वाट, मतलब एक सेकेंड में वो 746 जूल एनर्जी खर्च करता है। तो कोई भी डिवाइस खरीदेंगे ना तो उसमें उसके पावर लिखा रहता है 220 V, ये तो कांस्टेंट रहेगा सब में, और साथ में पावर लिखा रहेगा 220 V एंड 60 वाट, 220 V, 100 वाट, इस तरह का आपको लिखा मिलेगा। वो जो लिखा हुआ है ना 220 V, मतलब वोल्ट, ये वोल्टेज है जो कि आपका पोल से घर तक सप्लाई आ रहा है, ये 220 से 240 का रेंज होता है, 220 से 240 का ये रेंज होता है जो सप्लाई आपका, है ना, कहाँ से, पोल से घर तक आ रहा है। इसलिए हर डिवाइसेस में ये फिक्स होता है 220 से 240, 220 से जो एक रेंज है ये आपका फिक्स होता है। बाकी पावर चेंज होता है, पावर जैसे LED बल्ब है ये 9 वाट का है, जनरली ये कितने वाट का भी जो लगा वो 9 वाट का है, ऐसे आप ज़्यादा वाट का भी खरीद सकते हैं, मतलब वो एक सेकेंड में 9 जूल एनर्जी खर्च कर रहा है। ओके, तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल पावर को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, द एनर्जी कंज्यूम्ड बाई एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन पर यूनिट टाइम, क्या डिफिनेशन होगा, ये क्या है, एनर्जी कंज्यूम्ड है, द एनर्जी कंज्यूम्ड मतलब क्या था, खर्च, कंज्यूम्ड बाई एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस डिवाइस इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर, विद्युतीय शक्ति, इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, पावर है तो पी से डिनोट करेंगे, स्मॉल पी लिखते हैं क्योंकि मोमेंटम को कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, इसलिए पावर को स्मॉल पी से, फॉर्मूला होगा वर्क डन बाई टाइम या एनर्जी बाई टाइम, इसका फॉर्मूला देखा I²RT बाई टाइम, TT कैंसिल तो I²R, ये पावर का फॉर्मूला आया I²R इलेक्ट्रिकल पावर का, लेकिन I को V/R, यहाँ से ये फॉर्मूला V²R आ जाएगा आपको, इसको VI भी आएगा, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पावर का। लेकिन ज़्यादातर जो हम लोग यूज़ करें, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है तो जनरली V²R वाला यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, जनरली जो पावर वाला यूज़ होता है, पावर का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल पावर कहिए, पावर कहिए, तो हम लोग V²R ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है घर में जो वायरिंग किया जाता है वो पैरेलल ऑर्डर में, और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है, इसलिए पैरेलल में आप इस फॉर्मूले को बैठाएंगे और सीरीज में ये फॉर्मूला बैठाते हैं I²R, और क्वेश्चन में लिख दिया कि ऑलरेडी सीरीज है तब तो आप I²R, क्योंकि सीरीज में करंट सेम,
बार बार मैं बताता हूँ, पैरेलल में वोल्टेज सेम और सीरीज में करंट सेम। तो इससे आप एक फॉर्मूला ये भी निकाल सकते हैं, P2/P1, दो अलग अलग डिवाइसेस हों, दो अलग अलग डिवाइसेस हों, उसका पावर कंज्यूम का रेशियो निकालना है। देखिए R नीचे है, भी तो कांस्टेंट होगा, वो कट जाएगा, आपका उल्टा हो जाएगा, R1/R2। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी आपको। P2/P1 = R1/R2, ठीक है दोस्तों, लिखा जाए। हो गया।